हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सबको बता दूं कि अभी अभी बिहार बोर्ड द्वारा 12th का रिजल्ट जारी कर दिया है बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर। तो इस वीडियो में आप सबको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि रिजल्ट किस प्रकार चेक करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब जो है मैं आप सबको सारी बातें बता दूँ रिजल्ट से संबंधित। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप सभी को बिहार बोर्ड से संबंधित सभी न्यूज़ का अपडेट हमेशा मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कि मैं जो हूँ लाइव हिंदुस्तान डॉट कॉम वेबसाइट पर हूँ, और यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2020 लाइव अपडेट्स, बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी, 80.44% पास, ये रहा लिंक। ऐसा फ्रेंड्स, यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि रिजल्ट जो है जारी कर दिया है बिहार बोर्ड द्वारा, और उसके बाद यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के नतीजे http://onlinebsv.in व biharboardonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। इस बार कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स स्ट्रीम में कुल मिलाकर 80.44% पास हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार का रिजल्ट जो है काफ़ी शानदार रहा है। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स, और इसके बाद यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं पिछले साल 80.76% पास हुए थे। साइंस स्ट्रीम में नेहा कुमारी ने कुल 476 अंक के टॉप किया है। यहाँ जो है साइंस सब्जेक्ट में नेहा कुमारी ने टॉप किया, वहीं कॉमर्स सब्जेक्ट में जो है कोसर फातिमा टॉप किया, वहीं इसके बाद यहाँ देख रहे हैं सुधांशु नारायण चौधरी ने कुल 476 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। आर्ट्स में सक्ष कुमारी ने भी ने 474 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। फ्रेंड्स, जो है आप सभी जो है इस वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये वाला वेबसाइट, इस वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन जो है अभी अभी बिहार बोर्ड के वेबसाइट का सर्वर डाउन चल रहा है, इसलिए जो है वेबसाइट स्लो चल रहा है, तो अभी रिजल्ट चेक नहीं हो रहा है। तो आप लोग कोशिश करते रहिएगा, शायद वेबसाइट ओपन हो जाए। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगा मैं आप सबको लाइव बता दूंगा कि कैसे रिजल्ट चेक करना है। थैंक यू।